आज हम बात करने वाले हैं कि मीठा मीठा और अच्छा कैसे बोलें, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि बस मन करता है उनसे दिन रात बात करते रहें। उनकी बातों में एक अजीब सा नशा होता है, एक जादू होता है। आज वो जादू मैं आपको देने वाला हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि लोग आपकी बातों से इंप्रेस हो जाएंगे, हर कोई आपका दोस्त बनना चाहेगा और दिन रात आपकी बातों में खो जाएगा। और मैं तो पर्सनली मानता हूं कि अगर आप बात अच्छी तरह कर लेते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, तो लगभग 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप इंप्रेस करना चाहते हो किसी को, है ना, रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी लड़ाइयां हो जाती है, उस लड़ाई को सॉल्व करना है तो क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि जिंदगी के हर एक जगह पर आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट से, पॉइंट नंबर 5, कि अगर आपको मीठा बोलना है तो मीठा सुनना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा बोलना है तो आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप अच्छा कभी बोल ही नहीं सकते। अपने आसपास देख लीजिएगा, टीवी में देख लीजिएगा, किसी पॉलिटिशियन को या किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को या कोई भी आपका फ्रेंड हो उसको देख लेना। जो अच्छा बोलता होगा ना, वो पहले अच्छा सुनता है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। ए को चाउमीन पसंद है, बी को बर्गर पसंद है। अगर मैं ए को बर्गर दे दूं और बी को चाउमीन दे दूं तो क्या उनको पसंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उनका टेस्ट अलग अलग है। जिसको जो पसंद है उसको वही देना चाहिए। आप किसी भी इंसान को एक ही बात से इंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं किसी और चीज से इंप्रेस हूं। अगर आपसे कोई बात करेगा तो हो सकता है आप किसी और चीज से इंप्रेस हो। तो ये जानने के लिए कि सामने वाला बंदा किस चीज से इंप्रेस होगा, ये जानने के लिए हमें सुनना पड़ता है। और सुनने से मेरा मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है कि आप बस सुन रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। आपको सुनना है, ऑब्जर्व करना है, उसकी आंखों में देखना है, उसकी बातों को सुनना है कि वो कहना क्या चाहता है। एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि बहुत पॉपुलर है, आपको भी पता होगा, या नहीं पता तो जान लीजिए। ESN। ई मतलब आई कॉन्टैक्ट, एस मतलब स्माइल एंड एन मतलब नोड। आई कॉन्टैक्ट स्माइल नोड, आई कॉन्टैक्ट स्माइल नोड, ये तीन चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी इंसान आपसे इंप्रेस हो ही जाएगा। कभी भी किसी से बात करें तो पहली चीज आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए। अगर आप आंखों में नहीं देखते हैं तो आप समझ जाइए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स लगभग बिल्कुल पुअर है। आपको आंखों में देखना है, दूसरा आपको एस स्माइल करना है, एक प्यारी सी स्माइल करिए, और तीसरा नॉड करते रहिए, हाँ ना, जैसे होता ना गर्दन हिलाते हैं, करते रहिए। इससे सामने वाले इंसान को एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ, ये बंदा मेरी बातों को सुन रहा है। आप कई बार देखिए कि जब टीचर पढ़ाता है और अगर आप उसकी आंखों में देखकर, उनकी आंखों में देखकर नॉड करें तो आप ही को देखकर पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, ये बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है। अब चाहे आप सुन रहे हो ना सुन रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उनके पास इंप्रेशन जरूर जाता है। और एक और स्ट्रेटेजी होती है कनेक्शन बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि अगर आप सॉकेट में प्लग को डाल देते हैं तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है और मजा आ जाता है, लाइट वाइट सब जल जाती है। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो बिजली वाली एनर्जी है ना, पास नहीं हो पाएगी और मजा नहीं आ पाएगा। तो आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से मेरा मतलब क्या है कि सामने वाला बंदा जो भी स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको सेम उसके स्टेट ऑफ माइंड को पकड़ना है और उसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाना है। अगर वो खुश है तो आपको भी खुश हो जाना है, अगर वो दुखी है तो आपको भी दुखी हो जाना है। अगर सामने वाला बंदा दुखी है, निराश है, उसके फोन गुम हो चुका है, उसका अभी नया उसने फोन लिया था, गुम हो गया, और उसके सामने आप अपना नया फोन दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो कि देख इसमें 6GB रैम है, इसमें ये प्रोसेसर है, इसमें ये स्क्रीन है, ये है अल्ट्रा अल्ट्रा, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपको पहले उसके रिएक्शन को चेक करना है कि क्या बात हो गई। वो उदास लग रहा है, उसे पूछो क्या हो गया भाई। वो जैसे ही बताता है कि मेरा फोन गुम हो गया, तो उसके स्टेट ऑफ माइंड में आ जाना है। उसको बोलो यार सो सैड यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता है मेरे दोस्त का भी गुम हुआ था यार, प्लीज ये देख ले, क्या पता इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, ये कर लिया क्या, वो कर लिया क्या। इसका मतलब कि अभी आपको खुशी नहीं दिखानी, अभी आपको उसके दुख में दुख का साथ देना है। और कल को अगर वो एक नया फोन ले लेता है और वो खुश खुश आता है आपके पास कि हाँ यार मैंने देख नया फोन ले लिया, ये है वो है, तो आपको दुखी नहीं होना, आपको दिखाना है कि वाह यार ले लिया भाई, अब तो पार्टी बनती है, अब तो ये कर देंगे वो कर देंगे। यानी कि जैसा सामने वाले बंदे का स्टेट ऑफ माइंड है उसको आपको समझना है, ऑब्जर्व करना है, और जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो उसको पकड़ लेना, उसके स्टेट ऑफ माइंड में बैठ जाना है। और कभी भी मैं नहीं करना। बहुत गंदी आदत होती है लोगों की मैं करने की। अगर आपको मैं बोलने की आदत है इसको बिल्कुल तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल अगर आप लेवल पे जाएंगे ना तो आप भगा दिए जाएंगे, क्योंकि वहां मैं नहीं चलता, वहां हम चलता है, वी अस। आप खुद सोचिए, अगर मैं बोलूं कि आज मैं अपने चैनल पे, अपनी वीडियो पे ये बताने वाला हूं, मैं ये मैं वो
मेरा चैनल, मेरी वीडियो, मेरा ये, मेरा, तो अच्छा लगेगा क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आज हम अपने चैनल पे, हमारी वीडियो पे ये बताने वाले हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो आप भी सोचोगे कि यार मेरे जैसा ही बंदा है और अच्छी बातें बता रहा है। यानी कि कनेक्ट करो सामने वाले बंदे को, हम करो, जैसे आप हम करते हो सामने वाले के साथ आप हो जाते हो, उसको अपने साथ रख लेते हो। और कभी भी बात काटनी नहीं चाहिए, हम लोगों की आदत होती है एक और ना, बात काट देते हैं, सामने वाले बंदे की सुनते ही नहीं, उसकी बातों को काट देते हैं। सामने वाला बेशक कुछ भी बता रहा हो, आपको ना ईगरनेस होती है, आपको लगता है कि उतावलापन कि यार कब मैं अपनी बातों को रख दूं। आपके मन में एक भाई पॉइंट आया, आपको लगता है कि यार डिबेट में ये पॉइंट बिल्कुल सामने वाले को तो ऐसा कर दूंगा उसके बाद जवाब ही नहीं रहेगा जी, आपने उसकी बात ही नहीं सुनी, अपने पॉइंट बोलने लग गए। अरे मेरे भाई उसको सुन लो, बात क्यों काट रहे हो यार। तो कभी भी किसी की बात को नहीं काटना चाहिए, अगर आप बात काटेंगे तो कम्युनिकेट कभी भी नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं, और फोर्थ पॉइंट है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी। इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, कब, कहां, कैसे, क्यों। अब ये ना थोड़ा अजीब सा होता है, अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चनिंग करना है, कुछ जानना है, तो डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए। डायरेक्ट पूछेंगे तो सामने वाला हो सकता है गुस्सा हो जाए, उसको लगे कि मेरे से सब कुछ जान रहा है, मेरी बातों को जानना चाहता है, मैं क्यों बताऊं। अगर आप उसे इनडायरेक्टली पूछेंगे ना दूसरे रास्ते से, तो आपको आराम से बता देगा। हालांकि आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछने भी नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने। तुम कहां गए थे, तुम क्यों गए थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम ये क्यों, तुम वो क्यों, इतने सवाल पूछोगे तो सामने वाला बंदा इरिटेट हो जाएगा। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है, इंप्रूव करनी है, तो सवाल ज्यादा पूछना बंद कर दो। इननेसेसरी जो सवाल होता है ना, उसको पूछना बंद कर दो कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, यार नहीं अच्छा लगता इतना। एनीवे, अगर आपको क्वेश्चन पूछना भी है तो इनडायरेक्टली पूछिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी नई नई दोस्ती हो, ये मेरी और आपकी, और मैं जानना चाहता हूं कि कल तुम रात को 8 बजे कहां थे। अब मैं भाई बात कर रहा हूं, डायरेक्ट तुमसे पूछता हूं कि यार कल तू 8 बजे कहां था, तो तुम सोचोगे क्यों पूछ रहा है यार, ऐसी क्यों पूछ रहा है, ये कोई बात हुई क्या, मैं क्यों बताऊं इसको, तो आप नहीं बताओगे। हो सकता है आप बता भी दो, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि पता है भाई कल रात को ना यार इतना मजा आया, हम पार्टी में गए थे, इतना मजा आया ना भाई यार, इतना खुशी हुई, क्या बताऊं, हम पता है वहां पर गए थे, एमजी रोड पे गए थे, वहां पे एक क्लब था, वहां पर हमने पार्टी की, यार मजा आ गया, उसके बाद हम यहां पे गए थे, वहां पे गए थे, तू कहां था कल रात को। अब देखिए, आपका ध्यान यहां नहीं जाएगा कि इसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि तू कहां था, आपका ध्यान इस पे जाएगा कि पहले इसने अपनी एक स्टोरी बताई, उस स्टोरी से लिंक करके पूछ रहा होगा कि कहां था, मैं तो बता देता हूं। इसका मतलब कि अगर आपसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ जानना है, तो पहले उस क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे दीजिए, इससे सामने वाले को एक फैमिलियरिटी हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक ट्रिक समझ लीजिए, कि जैसे हम सामने वाले को ये दिखाते कि मैं तेरे जैसा हूं, या उसको ये दिखाते कि तू तो मेरे जैसा है, तो सामने वाला इंसान आपको कुछ भी देने को, कुछ भी बताने को तैयार हो जाता है। तो आपको जो भी जानना है पहले उसका आंसर कीजिए, उससे पूछ लीजिए। बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 पे, कि गुस्सा करना और बुरा मानना छोड़ दो। अगर आपको जल्दी जल्दी बुरा मानने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, तो आप कभी भी मीठा और अच्छा नहीं बोल सकते। जो अच्छा बोलता होगा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे पाऊं, तो आप एक पॉलिटिशियन है, संबित पात्रा, इतना अच्छा बोलते हैं, उनकी डिबेटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, उनको आप देखिए बुरा नहीं मानते। अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर या कोई वक्ता जो होता है, वो कुछ भी ऐसा वैसा उल जुलूल बोल देता है, तो बुरा नहीं मानते, उसको हंसी में टाल देते हैं। एक और नेता है असदुद्दीन ओवैसी करके, वो इतना अच्छा बोलते हैं, हालांकि मैं उनको पसंद नहीं करता, उनके जो माइंडसेट वो अच्छा नहीं है, लेकिन डिबेट बहुत अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है। और अगर आपको बहुत ही बड़ा एग्जांपल लेना है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से देखिए, वो इतना अच्छा बोलते हैं, और कभी उनको आपने गुस्सा करते हुए देखा है, फालतू का गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करते हैं तो पब्लिक को समझाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए कि कंसर्न बहुत ही सीरियस है। तो जब तक गुस्सा करने की जरूरत ना पड़े, तब तक गुस्सा मत करिए। अगर आप इननेसेसरी कोई भी गुस्सा कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, हाँ जहां गुस्सा करने की जरूरत है वहां पर करिए, लेकिन बेफिजूल में नहीं। और हम गुस्सा पता है कब करते हैं, जब हम अज्यूम कर लेते हैं, जब हमारा अजम्पशन ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, राइट, और हम कल बात नहीं कर पाए, उसने बोला था मैं वीडियो कॉल करूंगी, उसने वीडियो कॉल नहीं किया, आज मैं उसको गुस्से में कॉल लगाता हूं, शायना तुमने कल मुझे कॉल क्यों नहीं किया था, कहां पर थी, मैं देख रहा हूं तू मुझे कॉल नहीं करती, तुमने ये तुमने वो फलाना फलाना, बेचारी को डांट देता हूं। फिर शायना कहती, अरे मेरी जान भाई तो नहीं, अरे मेरी जान कल मैं यहां पर थी और तुम्हारे सरप्राइज पैक करवा रही थी और तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने वाली थी और तुमने ऐसा कह दिया मुझे। यानी कि मैं अज्यूम कर चुका हूं, क्या कि शायना ने ऐसा क्यों किया, शायना ने ये कर दिया, शायना ने वो कर दिया। यानी कि मेरे को अज्यूम नहीं करना, मुझे पहले समझना है कि सामने वाले इंसान ने ये चीज क्यों की। तो आपको अज्यूम करना छोड़ना पड़ेगा, आपको मन में बैठाना छोड़ना पड़ेगा कि उस बंदे ने इसलिए ये काम किया था, आपने दिमाग में ही बैठा लिया। अक्सर आपने रिलेशनशिप्स में देखा होगा कि गर्लफ्रेंड्स
नाराज हो जाती हैं, बॉयफ्रेंड नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला जो मेरा पार्टनर वो अपने आप समझ जाए किसी जादुई मंत्र से कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। अक्सर मेरे एक्स के साथ ही प्रॉब्लम हुआ करती थी कि वो मेरे से बोलती तो मुझे समझते नहीं हो, वो कुछ भी कभी भी गुस्सा होकर बैठ जाती थी और बोलती थी तो मुझे समझते नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं गुस्सा क्यों हुई हूँ। अरे भाई, मैं मानता हूँ साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत समझता हूँ, ह्यूमन नेचर को थोड़ा समझता हूँ, कोई जादुई मंत्र मेरे पास थोड़ी है यार। मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं समझ जाऊँ। आपको बताने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, लेकिन यार अज्यूम मत करो और ये मत सोचो कि सामने वाला इंसान मेरे को समझ जाएगा अपने आप। एनीवे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू पे कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट नोबडी इज परफेक्ट, दैट्स द अदर थिंग। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि रातों रात कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर आप रातों रात अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भाई अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है कि जब भी आप सोते हैं और सोने से पहले का जो आधा घंटा जो होता है, एक स्लैब होता है जिसमें आप ऊल जलूल चीज़ें सोच रहे होते हैं कल के बारे में, आज उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, जो फालतू का सोचते हैं, उससे आपका सर भी दर्द हो जाता है और सो भी नहीं पाते, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। उसकी जगह आपको क्या सोचना है, कम्युनिकेशन। आप सामने किसी भी एक कैरेक्टर को अज्यूम कर लीजिए, हो सकता है वो आपका कोई फ्रेंड हो, हो सकता है अपकमिंग कोई फ्रेंड हो, या कुछ भी इमेजिनेशन में किसी भी एक इंसान को मान लीजिए और उससे बातें करिए। अपना पार्ट भी निभाइए, उसका रोल भी निभाइए। आप उससे कुछ बोलिए, वो आपसे कुछ बोलेगा। इससे क्या होता है, आप कम्युनिकेट अच्छी तरह कर पाते हैं। आपको पहले ही पता होता है कि कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, और एक चीज होती है फ्लुएंसी। इससे आपको फ्लुएंसी आएगी, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आपको खुद से बातें करनी है, उसका शायद एक टर्म होता है मोनोलॉगी। और एक और मैं चीज आपको एक क्लियर कर दूं कि आपको इमोशंस कंट्रोल करने हैं। कभी भी बोलते वक्त ना, कुछ लोगों की आदत होती है को ज्यादा हंस हंस के बात करते हैं, बोलते कम है और हंसते ज्यादा है। आज पता है मैं वहां गई थी, हा 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 हा, मैंने ये कर दिया, ओ हो हो, मैंने ये कर दिया, ये क्या कर रहे हो भाई, या तो हंस लो या तो बोल लो। और लड़कियां खासकर ज्यादा करती हैं, सॉरी बट यार, कुछ लोग हंसते ज्यादा हैं तो कुछ लोग गुस्सा ज्यादा होते हैं। आज मैं यहां गया था ठीक है और मैंने ये कर दिया, मेरे को तो अच्छा लगा, मैं ऐसे ही कर दिया, मैं पागल है क्या, मैं तो ऐसे ही करता हूं। अरे मेरे भाई, थोड़ा स्माइल कर लो, थोड़ा मिठास लेकर आओ, थोड़ा अच्छा बोलो, ज्यादा गुस्सा भी मत करो, ज्यादा हंसी मजाक भी मत करो। जिस लेवल पे जो सामने वाला इंसान है उस लेवल पे आओ और उसके जैसा बात करो, देखो इंप्रेस कैसे नहीं होता है। और एक चीज होती है पिच एंड पेस, इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है। पिच मतलब कितना ऊंचा बोलना है, कितना धीमा बोलना है, कितना तेज बोलना है, कितना स्लो बोलना है, और पेस मतलब फास्ट एंड स्लो, आपको जल्दी बोलना है कि आपको धीरे बोलना है। अगर मैं आपसे बहुत जल्दी जल्दी बात करूंगा और आपको चीज समझ में नहीं आएंगे तो आपकी वीडियो अच्छी लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं आराम आराम से बोलूंगा, आपको समझा के बोलूंगा तो आपको अच्छी लगेगी ना, बिल्कुल लगेगी। अगर मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, आपको समझा के बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। और कोशिश करिए कि सामने वाला इंसान जैसा है ना वैसा ही बोलिए। सामने वाला इंसान अगर तेज बोल रहा है तो आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, वो थोड़ा धीरे बोल रहा है तो धीरे बोल सकते हैं। इससे सामने वाले इंसान का एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ यार, ये बंदा मेरी तरह ही है और इससे दोस्ती कर लेता हूं। एंड एट लास्ट पॉइंट नंबर 1 है नो नेगेटिव कमेंट्स। आपको नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। अगर आपको लोगों को इंप्रेस करना है ना तो समाज सुधारक का काम बंद कर दीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है कमियां निकालना, वो बात कम करते हैं कमियां ज्यादा निकालते हैं। या तो कमियां निकालेंगे और या तो चुगली करेंगे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। अरे तुम खुद को देख लो भाई, तुम क्या कर रहे हो ये देखो ना। हम खुद को नहीं देखते, हम समाज को देखते हैं, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया। अगर तो तुम कोई एक मुद्दा उठा रहे हो जो कि कल एक न्यूज में बात की गई थी, उस डिबेट को डिस्कस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुगली मत करो अपने दोस्तों की। और नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही मत फैलाओ। अगर कोई आपसे कुछ चीज डिस्कस कर रहा है अपने प्लान को कि मैं ये करने का सोच रहा हूं या सोच रही हूं, तो उसको मोटिवेशन दो ना। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज डिमोटिवेट भी ना करो कि तुमसे नहीं होगा, मत करो। अरे नहीं यार, उसको मोटिवेशन दो कि हाँ यार कर भाई, हो जाएगा, मैंने भी किया तो। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिए। अगर तेरे को मोटिवेशन नहीं देनी है मेरे भाई, तो कम से कम डिमोटिवेट भी प्लीज मत करना यार। तो हमने आपको 5 चीजें बताई हैं। फिफ्थ पॉइंट था कि अगर आपको मीठा बोलना है तो मीठा सुनना पड़ेगा, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ेगा। पॉइंट नंबर हमने 4 बताया कि आपको इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी अपनानी है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछना, आपको इनडायरेक्टली पूछना है, जिसने आपको क्या करना था कि आपको कुछ जानने से पहले उसका आंसर खुद ही देना है और फिर उस क्वेश्चन को पूछना है। पॉइंट नंबर 3 हमने बताया कि आपको जल्दी गुस्सा नहीं करना है, जल्दी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप जल्दी गुस्सा करेंगे, जल्दी जल्दी बुरा मान जाएंगे तो सामने वाला इंसान इंटरेस्ट नहीं लेगा। पॉइंट नंबर 2 बताया हमने कि आपको कनेक्शन बिल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि सोने से पहले कुछ खुद से बातें करिए, अपने आप से बातें करिए, जिसको हम कहते हैं मोनोलॉगी। और पॉइंट नंबर 1 हमने बताया कि बिल्कुल समाज सुधारक का जो काम है ना वो बंद कर दीजिए, नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दीजिए, लोगों को मोटिवेट करिए, कमियां निकालना बंद कर दीजिए, और भाई चुगली तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट करूं, कर दोगे पूरा वीडियो को लाइक कर दोगे, कर दिया बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट कर लूं, प्लीज कर देना यार वीडियो को शेयर,
प्लीज़ भाई वीडियो को शेयर कर देना, जाने से पहले यार आपका कुछ नहीं जाएगा, 2 घंटे लगते हैं वीडियो को बनाने में और शायद 2 सेकंड भी लगे वीडियो को शेयर करने में। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी वीडियो को शेयर प्लीज़ कर देना। शेयर भी कर दिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ये आपके ऊपर है भाई, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ऐसी आपको और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन आता है उसको प्लीज़ ऑन कर देना ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको मिलती रहें।